सर हादसा यहाँ पर हुआ है और आपने उनको मुआवजा राशि दी है, क्या है पूरी बात? देखिए, यहाँ पर एक पहले धर्मशाला थी, धर्मशाला के जो भी ट्रस्टी लोग थे वो इसे तोड़वा कर कुछ और बनवाने के मूड में थे, लेकिन जो उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी, जो सरकारी अनुमति लेनी चाहिए थी, जहाँ तक मेरे को मालूम पड़ा है कि वो उन पर नहीं थी, तो एक तरह का अपराध कर रहे थे। तो पहला काम तो उनके खिलाफ़ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें जो लोग हाथ आ गए वो जेल भी जा रहे हैं। दूसरी बात कि जो संकट में आए लोग, जिसमें एक बच्ची की मृत्यु हुई है, मेरी कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, बहुत सभी संवेदनशील हैं। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी उसके प्रति संवेदनाएं रखते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी। माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे ही सुना, 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन करके कहा कि 2 लाख रुपये उस बच्ची के मृतक के परिवारों परिवारीजनों को सहायता राशि और उन जो घायल है उसके पूरे खर्चे को सरकार उठाएगी। पहला काम तो ये, और इसलिए फौरी तौर पर जो इनकी मदद मिल सकती थी, और जब यहाँ सब बेघर थे तो मैंने DM साहब से बात की थी, तो उनको उन्होंने यहाँ पर एक धर्मशाला में इनको ठहरने की व्यवस्था और उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था हो गई थी। ये प्रबंध फौरी तौर पर हो चुका था। अब इन्होंने मांग की है अपने गिरे हुए मकानों के घरों की, तो मैंने अधिकारियों से बात की है और डूडा के जहाँ मकान बन रहे हैं उन मकानों को इनको दे दिया जाएगा, जिससे कि इनको मकान मिल जाएगा। मंत्री जी, एक ADA की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि नोटिस बैक डेट में बना के भी थमा दिया गया, काम चलता रहा 9 महीने तक, किसी ने यह ध्यान नहीं दिया। जो मुख्य आरोपी है उसको नोटिस नहीं दिया गया, दूसरे उसी नाम के दूसरे व्यक्ति को नोटिस दिया गया है। ऐसा है, इसमें मैंने पहले ही कहा यहाँ आते ही कि ADA की लापरवाही तो थी, लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे थे, जिन जो पीड़ित हुए हैं, उन्होंने उसका कहाँ संज्ञान लिया? क्या उन्होंने किसी अधिकारी को कहा? क्या किसी राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति को कहा? उन्होंने भी नहीं कहा। उनकी जिम्मेदारी बनती है इसको ADA को अवगत कराना, लेकिन मैंने अधिकारियों से कहा है कि इसमें नगर निगम के, ADA के और पुलिस के, इलाके पुलिस के, जिनकी जिम्मेदारियां बनती हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है, वह भी दंडित होंगे, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और अगर जैसा आपने अभी कहा है कि कोई ने बैक डेट में, मैं खा जाऊंगा उस अधिकारी को जिसने बैक डेट में नोटिस दिया हो। ये मैं साफ कह रहा हूँ, या कोई ADA का अधिकारी हो सुन ले, और ADM साहब सर 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 वो किसने बैक डेट में नोटिस दिया है? उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई सर, कार्रवाई शुरू यानी अपनी जान बचाने के लिए। जी जी जी, अपनी पैसे हर महीने महीनेदारी लेते होंगे, मैं बिल्कुल प्रेस के सामने कह रहा हूँ, महीनेदारी लेते होंगे यहाँ से वो, तो आप बख्शेंगे नहीं हम? मैं दूसरे, आप मेरे आदत को जानते हैं।